हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा सिलेबस पैडागोगी और PGT साइकोलॉजी के रिगार्डिंग चल रहा है, जिसमें मैं दो वीडियो डाल चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, जिसमें पैडागोगी का इंट्रोडक्शन और साथ ही साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया है कि क्यों पैडागोगी के अंदर साइकोलॉजी को इंक्लूड किया गया है और जो आपके पैडागोगी 30 क्वेश्चंस आते हैं उनमें साइकोलॉजी के कंसेप्ट क्यों डाले गए हैं, उनके पीछे मेन कारण क्या है, वो सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। आज मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इनको चेक कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने साइकोलॉजी के सिस्टम स्कूल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे साइकोलॉजी में कौन कौन से स्कूल्स होते हैं और किस किस तरीके से हम उन स्कूल्स में अपने रूल या लर्निंग को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, अगर आप लोगों को कुछ क्यूरियस हो तो आप मुझे यहाँ आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। और मेनली जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा हिस्ट्री ऑफ रहेगा कि हमारे इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई थी, किस किस साइकोलॉजिस्ट ने इंडिया में काम किया है और कैसे कैसे इसने हमारे इंडिया में पैर विकसित किए हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की, हमारे इंडिया में हमारी साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, हमारे साइकोलॉजी का इतिहास हमारे भारत में कैसा है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कि हमारे इंडिया में साइकोलॉजी कब शुरू हुई थी, ये 1915 को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हमारा जो फिलोसफी था, दर्शन शास्त्र था, उस विभाग में हुई थी कि यहाँ पर जो फिलोसफी था इसमें से हमारी साइकोलॉजी को अलग निकाल दिया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फर्स्ट करिकुलम ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, एक तो ये था कि यहाँ पर फर्स्ट करिकुलम अप्लाइड साइकोलॉजी का फर्स्ट जो करिकुलम था वो बन गया था, और सेकंड क्या था, हमारी जो ये लैब थी इस लैब का यहाँ पर निर्माण हो गया था। फर्स्ट काम क्या किया गया था, हमारा फर्स्ट करिकुलम, हमारे अप्लाइड साइकोलॉजी का करिकुलम तैयार किया गया था और सेकेंड फर्स्ट लैब इन साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1916 में कलकत्ता में पहला साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट स्थापित किया गया था। अब यहाँ देखिए, यहाँ करिकुलम एज इसको करिकुलम लेकर आए थे, बट जब इसको एक डिपार्टमेंट बनाया गया था ये 1916 यानी कि 1916 में कलकत्ता में ही बनाया गया था। इसके बाद जब 1938 में आया तो कलकत्ता में क्या किया गया कि फर्स्ट अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, जो कि NN सेन गुप्ता ने की थी। ये NN सेन गुप्ता हमारे वुंड के स्टूडेंट थे। वुंड, आप लोग जानते हैं वुंड के बारे में कि इन्होंने 1879 में पहली एक्सपेरिमेंटल लैब का निर्माण किया था। और जब NN सेन गुप्ता आए थे तो इन्होंने क्या किया था, जो इनकी ट्रेनिंग थी वो वुंड के अंडर जाकर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया था और वुंड के जो काम किए थे इसी के बेस के ऊपर उन्होंने क्या किया था, इंडिया में पहली अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का इन्होंने निर्माण किया था। इसके बाद 1922 में जी बोस, इनका नाम बोस था, इन्होंने क्या किया था, इस्टाब्लिश इंडियन साइकोनेटिक एसोसिएशन, कि इंडिया में पहले साइको एनालिसिस एसोसिएशन की स्थापना की थी। स्टूडेंट ऑफ फ्रॉइड, ये स्टूडेंट किसके स्टूडेंट थे, फ्रॉइड के स्टूडेंट थे, यानी कि इन्होंने फ्रॉइड के अंडर में अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट किया था और फ्रॉइड के नक्शे कदम पर चल कर इन्होंने अपने इंडिया में पहले साइको एनालिटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जो हमारा JB बोस है इसको क्या बोला गया है, इंडियन साइको एनालिटिकल, कि भारत का जो पहला विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है, वो है JB बोस। इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इन्होंने फ्रॉइड के अंडर में जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, इसलिए इसको इंडियन फ्रॉइड भी बोला जाता है। अब देखते हैं कि अर्ली सेंटर्स, कि हमारे इंडिया में अर्ली सेंटर्स कहाँ कहाँ खुले थे टीचिंग एंड रिसर्च के, कि अर्ली सेंटर जहाँ पर साइकोलॉजी को एज अ टीचिंग और एज अ रिसर्च एक पढ़ाया गया था वो थे मैसूर में और पटना में। क्लियर है आपको कि पहला सेंटर मैसूर में ओपन हुआ था, दूसरा सेकेंड सेंटर आपका पटना में ओपन हुआ था। फिर बात आती है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कि हमारे जो इंडिया में है एक्सीलेंस ऑफ सेंटर कब बने थे, ये UGC ने बनाए थे और कहाँ बनाए थे, पहला बनाया था उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर और सेकेंड बनाया था अलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जितना मैंने आपको कराया है ये आपके एचटेट साइकोलॉजी के लिए इनफ सिलेबस है, तो आप अपने एचटेट साइकोलॉजी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ें जितना मैं करवाती हूँ। इसके अलावा आपको कोई और बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं आपको करवाती जाऊँ, मेरी वीडियो को सुनते जाएँ और इसको 2 या 3 बार सुनें ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से आप रिवाइज कर सकें।
इसके बाद है दुर्गानंद सिन्हा। दुर्गानंद सिन्हा का नाम भी बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। दुर्गानंद सिन्हा ने 1986 में अपनी एक बुक लिखी थी, जो बुक का नाम था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी को एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में इन्होंने बताया था, और उन्होंने क्या कहा था कि इंडियन एक्सपीरियंस के थ्रू इस बुक का इन्होंने निर्माण किया था। ये इनकी इसकी इंडियन की हिस्ट्री है। फिर हम बात करते हैं इंडियन साइकोलॉजिस्ट की, कि हमारे जो इंडिया में है साइकोलॉजिस्ट कैसे हुए हैं, इन्होंने काम कैसे कैसे किया है। अब यहाँ से जो मैं आपको हिस्ट्री करवाऊँगी, और जो मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री करवाई है, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि हर स्टेट में एक क्वेश्चन यहाँ से पुट किया ही जाता है। जो मैंने आपको बताया था, जो जी बोस मैंने कराया है आपको, कि वो इंडियन का साइको एनालिटिकल है, कि इंडिया का फ्रॉइड है, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। फिर ये क्वेश्चंस भी आया कि दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक को किस ईयर में पब्लिश किया था, या 1986 में इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया था। तो प्लीज़ जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊँ उनको हल्के में ना लें, उनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस हर बार पुट किए जाते हैं। अब 1916 में कलकत्ता में पहला साइकोलॉजी का फर्स्ट डिपार्टमेंट ओपन किया गया था। ये इसकी हिस्ट्री है। ये क्वेश्चंस भी शुरू में जब एस्टेट हुआ था तब ये आ चुका है। 1922 में क्या हुआ था कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में साइकोलॉजी को शामिल कर लिया गया था, कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के नाम की कोई एक एसोसिएशन थी, तो इसमें साइकोलॉजी को पहली बार कब शामिल किया गया, 1922 में इसको पहली बार इसमें शामिल किया गया। फिर 1924 1924 में क्या काम हुआ था कि इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हो गई थी। यहाँ पर क्या किया गया था कि जो हमारा इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, यहाँ पर साइकोलॉजी को मिलाया गया था एज एस एक सदस्य के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में। बट 1924 में क्या हुआ था कि इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इन्होंने खुद ही अपने एसोसिएशन का निर्माण कर लिया था। 1928 के 1928 में क्या हुआ था कि एन एन सेन गुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी, ये दो नाम आए हैं, एन एन सेन गुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी, इन दोनों ने क्या किया था, सोशल साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी थी, लंडन एलन एंड अनविन, ये नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। किन्होंने लिखी थी? एन एन सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री है, बिल्कुल भी बोर होने वाली बात नहीं है। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार सुनते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो प्लीज़ अपनी स्टडी को जारी रखें और अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ फोकस करें और मेरे साथ बने रहें। अब जो बात की थी 1949 में, कि 1949 में क्या काम हुआ था, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या होता, साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग की स्थापना हो गई थी। कि 1949 में 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग की स्थापना हो गई थी। 1954 1954 में क्या होता कि इलाहाबाद में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी, जैसे सीआईडी का ब्यूरो होता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का ब्यूरो होता है, तो ऐसे ही हमारा साइकोलॉजी का ब्यूरो कहाँ स्थापित हुआ था, इलाहाबाद में, और कब, 1954 में। इसके बाद 1955 में क्या हुआ था, निम्हांस, आपने बहुत बार इसका नाम भी सुना होगा कि निम्हांस। निम्हांस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस। इसकी स्थापना बेंगलोर में हुई थी निम्हांस की, और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे इंडिया में। उसके बाद 1962 को क्या हुआ था, रांची में मेंटल डिजीज़ नाम का एक हॉस्पिटल ओपन हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़, कि जो मानसिक रूप से गंभीर लोग बीमार हो जाते हैं, जिनको फिजिकल कोई सिम्टम नहीं होता, उनको सिर्फ क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल सिम्टम होता है, एक उनको मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, जो कि रांची में किया था गया था, और इसका क्या नाम था, हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज़। 1989 1989 में क्या हुआ था कि इंडिया की एनओपी, इंडिया में एक एनओपी नाम का क्या था, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, कि इंडिया में नेशनल एकेडमी। अब तक हमने करिकुलम की बात की है, ब्यूरो की बात की है, किसी एसोसिएशन की बात की है, बट यहाँ पर एकेडमी की बात हो रही है, कि इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की कब स्थापित हुई थी, 1989 में।
1997 में क्या हुआ था कि गुड़गांव में एनबीआरसी क्या है ये, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हो गई थी, जो गुड़गांव क्या हमारे हरियाणा में है। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे हरियाणा का जो गुड़गांव नाम का जगह है वहाँ पर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ था। तो ये हमारी हिस्ट्री थी, हमारे इंडिया की हिस्ट्री कि हमारे इंडिया में साइकोलॉजी का निर्माण कैसे हुआ है, कब क्या किस तरीके से क्या काम शुरू किया गया है, और उसके बाद थोड़े से मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है। ये आपके पीजीटी एस्टेट के लिए सफिशियंट हैं, इसके अलावा आप हिस्ट्री और ना पढ़ें, जितना मैं कराऊँ बस उस पर ही फोकस करें। अब हम बात करते हैं फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट की कि हमारे इंडिया में तो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बट उन्होंने किसके बेस पर काम किया। उन्होंने फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट को देखा, उनकी कार्यों को देखा, और उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, अपने इंडिया में एक इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से अपने साइकोलॉजी का निर्माण किया। अब हम देखते हैं कि जो फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट इन्होंने क्या क्या और किस किस तरीके से क्या काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो हमारी जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी की स्थापना कब हुई थी, ये सबको पता है कि 1879 में विलियम वुंड ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी, लिप्जिंग में की थी, और जो जर्मनी में थी हमारी लिप्जिंग, इसका नाम आपको पता है। क्वेश्चन तो हर बार पैडागोगी में भी आता है और आपके एस्टेट पीजीटी साइकोलॉजी में भी आता है कि पहली लैब की स्थापना कब हुई थी 1879 में। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, इस इतने आसान क्वेश्चन को भी हम गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और इसको गलत ना करें। इसके बाद 1890 में क्या हुआ था, विलियम जेम्स ने अपनी बुक को पब्लिश किया था, जो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक का नाम भी अभी लास्ट जो एस्टेट गया है वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के राइटर या साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो ये विलियम जेम्स ने ही पुस्तक लिखी थी। 1895 में क्या था, फॉर्मुलेटेड फंक्शनलिज्म, जो हमारा फंक्शनलिज्म था उसका निर्माण कब हुआ था, 1895 में। ये जो स्कूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनकी मैं कल बता चुकी हूँ कि फंक्शनलिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, विलियम जेम्स ने क्या काम कर रखा है, तो प्लीज़ कल की वीडियो को ज़रूर देखें। और मेरी वीडियोज़ में ये रहेगा कि हर वीडियो का जो कनेक्शन है मेरी अगली वीडियो से रहेगा, तो प्लीज़ हर वीडियो को देखने से पहले उसकी बेसिक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसके बाद 1900 में क्या हुआ था, सिगमंड फ्रॉयड ने डेवलप साइकोएनालिसिस अपना जो मनोगत्यात्मक सिद्धांत है, मनोगत्यात्मक स्कूल है, संप्रदाय है, उसका निर्माण इन्होंने कब किया था, 1900 में किया था। किसने किया था, सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। इसके बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारा एक इंट्रो था, एक सरफेस लेवल पर था, बट जब हम सिगमंड फ्रॉयड को कम्प्लीटली करेंगे तो वहाँ पर इसके डीप लेवल में आपको करवाई जाएंगी कि ये सिगमंड फ्रॉयड ने क्या क्या काम किए थे। 1904 में क्या था, इवान पेवलोव, ये नाम भी आपने सुना है, और ये हमारा बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के अंदर आता है, ये मैंने कल बता दिया है आपको। इवान पेवलोव विंस द नोबेल प्राइज ऑन वर्क डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इवान पेवलोव को भी एक नोबेल प्राइज मिला है अपने काम में, जो उन्होंने काम किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर उन्होंने काम किया था। पहले ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी कि शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, उसके बाद ये साइकोलॉजिस्ट बने हैं। 1905 में इंटेलिजेंस टेस्ट का निर्माण किया गया था, सबसे पहले बीनी और सीमन ने इसका निर्माण किया था। ये क्वेश्चंस भी आता है अपने पैडागोगी में कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट कब डेवलप किया था, ये कभी ईयर के नाम से पूछ लेते हैं, कभी इसके जो पब्लिशर है उसके नाम से पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ। 1920 को क्या किया गया था कि साइकोलॉजी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नाम का स्कूल आ गया था, जो कि जर्मनी की एक ब्रांच थी, यानी कि जर्मनी में गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का निर्माण हुआ था 1920 में। फिर 1924 में क्या हुआ था, जॉन बी वॉटसन, जो वॉटसन था ये कौन था, बिहेवियरिज्म का ये पब्लिशर था, जिन्होंने इस्टाब्लिश किया था, पब्लिश बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या थी, एक बुक थी जो किसने लिखी थी, जो भी जो जे बी वॉटसन ने लिखी थी, अ बुक दैट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। इन्होंने क्या कि सबसे पहले अपनी बुक लिखी थी, इस बुक को लिखने के बाद ही हमारा जो व्यवहारवाद था, बिहेवियरिज्म था, उसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी मैंने कल आपको सरफेस लेवल पर बताया है कि बिहेवियरिज्म क्या है, ये एक तरह से हमारे साइकोलॉजी का एक सिस्टम है जिसमें हमने बिहेवियरिज्म क्या है इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद है 1951 में क्या हुआ था कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स
ये भी हमने कल बताया था कि एक ह्यूमनिस्टिक नाम की साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव भी हमारी साइकोलॉजी में है। तो कार्ल रोजर्स कौन थे? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को इन्होंने पब्लिश किया था। इन्होंने भी क्या किया था? सबसे पहले अपनी थेरेपी को लेकर आए थे, उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ये जब हम कार्ल रोजर्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। 1953 में बी एफ स्किनर ने एक बुक लिखी थी, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो कि 1953 में पब्लिश हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है, आपका एसटेट में आ चुका है। रिसेंटली अभी जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और यहाँ से भी ये पूछ लेते हैं कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसने दी है, ये किसने दी है? कार्ल रोजर्स ने दी है। 1954 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मास्लो, हमने दोनों ही नाम कल पढ़े हैं जब हमने इसका पर्सपेक्टिव किया था कि कार्ल रोजर्स और इब्राहिम मास्लो कौन हैं, हमारे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं ये। इन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की बुक लिखी थी जो कि 1954 में पब्लिश हुई थी। तो जितनी भी मैंने बुक्स के नाम आपको करवाए हैं और उनके कौन कौन राइटर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में याद करने हैं। 1973 में कोनार्ड लोरेंज एंड निको टिनबर्ग, इन्होंने क्या किया था? एक नोबेल प्राइज जीता था, विन द नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क स्पेसिफिक एनिमल बिहेवियर, कि हर जाति अपने तरीके से एक व्यवहार करती है, हर पशु पक्षी जैसे हैं, चिड़ियाँ कैसे व्यवहार करती हैं, डॉग कैसे करते हैं, जैसे कैट कैसे करती है, टाइगर कैसे करता है। तो इन्होंने क्या किया था? हर जाति में एक स्पेसिफिक गुण होता है जो अपने बिहेवियर को करना सीखता है, इन्नेट टेंडेंसी उसके अंदर होती है। क्लियर है आपको? आपको आपने देखा भी होगा कि डॉग कैसे बिहेवियर करता है, एक कैट कैसे बिहेवियर करती है। तो ये क्या है? इन्नेट होता है। एक ह्यूमन भी तो एक स्पेसिफिक जाति है, ये कैसे काम करती है ये भी आपको पता है कि अपने बचाव के लिए अपना ये बचाव करती है, और कैसा ह्यूमन का नेचर है। तो यही बात बताई गई थी कि हर जाति विशेष में एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जो इनेट होता है, और जो वो अपने एक सिंपल बिहेवियर में शामिल करता है। फिर है 1978 में हर्बर्ट सिमन ने क्या किया था? नोबेल प्राइज जीता था, किसके लिए? ऑन डिसीजन मेकिंग, कि जैसे हम लोग डिसीजन में बनाते रहते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं शाम तक हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो हर काम को करने के लिए हम क्या करेंगे? डिसीजन का निर्माण करेंगे कि वो डिसीजन हम कैसे लेंगे, कि हमारे काम की शुरुआत हम कब करेंगे, हमें किस टाइम उठना है। जब वो जो हम एक टाइम टेबल सेट करते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग ही है। तो हर्बर्ट सिमन ने डिसीजन मेकिंग के ऊपर काम किया था, और इनको अपने इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1978 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। 1981 में क्या हुआ था कि डेविड हुबेल एंड टोस्टन विसल्स ने क्या किया था? एक काम किया था, विजन सेल इन ब्रेन, कि हमारे ब्रेन में जो हम देखते हैं उसकी विजन सेल कैसे काम करती हैं, कि हम कैसे देखते हैं, कैसे किसी चीज़ों को परसीव करते हैं, उसको सेंसेशन देते हैं, एक परसेप्शन का नाम देते हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया था, विजन सेल इन ब्रेन, और इस काम के ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये कब मिला था? 1981 में, 1981 में इनको मिला था। 1981 में एक काम और हुआ था जो रोजर्स पेरी ने किया था। इन्होंने क्या किया था? स्पिल्ड ब्रेन रिसर्च की स्टडी की थी। स्पिल्ड ब्रेन रिसर्च क्या होता है? कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारा जैसे ये हमारा ब्रेन होता है, इसको हम ब्रेन मान लेते हैं। तो इस ब्रेन के जैसे हमारे दो पार्ट होते हैं, जो हमारा राइट हैंड है इसकी तरह हमारा राइट हेमिस्फीयर, और लेफ्ट हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर, और ऐसे इसमें हमारी फोर लोब्स होती हैं, जहाँ हमारी आँखें हैं, फेस, ये हमारा फ्रंटल लोब होता है, और हमारे राइट हैंड की तरफ हमारा टेम्पोरल लोब, ऐसे ही हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा टेम्पोरल लोब, जो पीछे हमारा होता है गर्दन की साइड जो हमारा होता है, जहाँ से हमारा पोन्स और मेडुला शुरू होता है, वहाँ होता है हमारा ओसिपिटल लोब, और जो हमारा ब्रेन का सेंटर वहाँ हमारा आता है पेरिटल लोब। तो रोजर्स पेरी ने क्या किया था कि जब ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉर्पस कॉलोजम नाम की एक इसके अंदर कॉर्पस कॉलोजम नाम का एक न्यूरोन का बंडल होता है, अगर हम इस ब्रेन को काट देते हैं तो हमारा ब्रेन क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्पिल्ड ब्रेन स्टडी, कि जब हमारा राइट हेमिस्फीयर अलग तरीके से काम करता है, हमारा राइट हेमिस्फीयर अलग तरीके से काम करता है। तो इस चीज़ के बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको कि क्या होता है, कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद 2002 में हमारा डेनियल काहनमैन आया था। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने नोबेल प्राइज़ के ऊपर काम किया था कि ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, कि जब कोई निश्चितता नहीं होती, अनिश्चितता में भी क्या करते हैं
वुमेन जजमेंट करते हैं, निर्णय करते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होते, फिर भी हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है और उस डिसीजन के बेस पर हमें अपना काम भी करना पड़ता है। तो इसके ऊपर उन्होंने, डेनियल कहानमैन ने काम किया था और इस काम के ऊपर इनको क्या मिला था, एक नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये नोबेल प्राइज़ कब मिला था इनको, 2002 में इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब है 2005 में क्या काम हुआ था कि थॉमस कैलिंग आया था, इन्होंने एक काम किया था, जो काम था इनका गेम थ्योरी टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कॉरपोरेशन इन इकोनॉमिक बिहेवियर। कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉरपोरेशन में काम करते हैं तो हमारा बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और कैसे हम कोऑपरेट करते हैं, इन सब को उन्होंने गेम थ्योरी के द्वारा समझाया था। कि जब हम एक गेम प्ले करते हैं, गेम खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर है उसके अंदर हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को और अपने कॉरपोरेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये क्या था आपका आज कुछ हिस्ट्री थी, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री में से हर बार एक दो क्वेश्चंस आपका आता है तो प्लीज़ इसको अच्छे से करें और बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसको राइट डाउन करें, तब जाकर ये आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसको 3-4 बार पढ़ लेंगे, 3-4 बार इसको रिवाइज़ कर लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अब बात करते हैं फोर्स की, कि हमारे साइकोलॉजी में फोर्स भी होते हैं। वो फोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने अपने स्कूल्स पढ़े थे, अपने अलग अलग सिस्टम्स पढ़े थे, तो उन्हीं स्कूल्स सिस्टम में से हमारे पास फोर्सेस निकल कर आई हैं। फर्स्ट फोर्स जिसको नाम दिया गया है वो हमारा साइको एनालिसिस, जो हमारा फ्रॉइड का कंसेप्ट है, उसको फर्स्ट फोर्स बोला जाता है हमारे साइकोलॉजी के अंदर। सेकेंड फोर्स आपका बिहेवियरिज्म है, जिसका स्थापना जे वी वॉटसन ने की थी, इस स्कूल को क्या बोला जाता है, सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। थर्ड फोर्स को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोला जाता है, जो हमारा कार्ल रोजर्स और हमारा इब्राहिम मास्लो आया था, इसको थर्ड फोर्स का नाम दिया गया है। हमारी फोर्थ फोर्स है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, जब हम अपने आप से अपने ऊपर उठ जाते हैं और अपने कार्यों की हम एक एनालिसिस करते हैं, इसको बोला जाता है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। कि जब हम अपना मिलन गॉड से कर लेते हैं, अपने अंतर मन में हम झांक लेते हैं, हमें अपने अंतर मन का पता चल जाता है, होता है आपका ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी ही। इसको एज अ फोर्थ स्कूल के नाम में से, एज अ फोर्थ फोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि सीरीज पूछी जाती है, अभी जो लास्ट ईयर का हुआ था, जो आपका 2019 में हुआ था, जो 2019 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सीरीज पूछी गई थी कि स्टेप बाय स्टेप के पहले किस कौन सा स्कूल आया था, सेकंड कौन सा स्कूल आया था, थर्ड कौन सा स्कूल आया था, तो इन स्कूल्स के बारे में पूछा गया था। तो इन स्कूल में हमने क्या बोला कि जो हमारा स्ट्रक्चर लीजियम है, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी, सेकंड हमारा फंक्शनलिज्म आया था, थर्ड गेस्टाल्ट, फोर्थ बिहेवियरिज्म, फिफ्थ साइको एनालिसिस, सिक्स्थ ह्यूमनिस्टिक, सेवन्थ कॉग्निटिव और एट्थ आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। तो आपको ये सीरीज में याद करनी है और ये पेपर में यही सीरीज पूछी जाती है मेनली। अब तक हमारी 5 सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या करते हैं, इनमें से ही नाम को आगे पीछे वो रख देते हैं, फिर वह बोलते हैं कि इनकी एक सीरीज बनाइए कि किस स्कूल या कौन सा सिस्टम हमारा पहले आया था और कैसे कैसे उन्होंने अपना काम शुरू किया है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही करने पड़ेंगे। और इनके बारे में जो एक सरफेस नॉलेज है वो मैंने अकल की वीडियो में डाल दी है, तो प्लीज़ उसको देखने के लिए आपको अकल की वीडियो पर जाना पड़ेगा। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो अपने डिस्क्रिप्शन को ओपन करें और इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको कल की वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैंने उसे पहले की वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आपको वैसे वाली लिंक मिलेगा, तो आपको हर वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ अभी से पढ़ाई शुरू कर दें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो पैडागोगी का कोर्स करना चाहते हैं या फिर एस्टेट साइकोलॉजी करना चाहते हैं, तो उनको मेरे चैनल को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि जो सिलेबस मैं आपको करवाऊंगी वो सफिशियंट है। इसमें आपका एस्टेट अच्छे नंबरों से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, पैडागोगी अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं। मेनली जो ये वीडियो बनाई है, ये वीडियो पीजीटी एस्टेट साइकोलॉजी के बच्चों के लिए है, और जो पैडागोगी के लिए हैं वो एक नॉलेज के लिए वीडियो देख सकते हैं, बट यहाँ से पैडागोगी में क्वेश्चंस नहीं आते, ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी साइकोलॉजी में आते हैं। तो जो मैंने सिलेबस शुरू किया है वो इकट्ठा ही किया है, कि हमारा जो पीजीटी साइकोलॉजी है वो, और हमारा पीजीटी एचटेट
एचटेट और हमारा जो होता है पैडागोगी है वो मैं मैंने साथ में ही शुरू की है कि ताकि मैं दोनों वीडियो साथ साथ डाल सकूँ। जो पीजीटी एचटेट के लिए होंगी उनकी वीडियोज़ को मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगी, जो हमारे पैडागोगी हैं और जो हमारे साइकोलॉजी में जो कॉमन टॉपिक हैं उनकी मैं पैडागोगी में ही ये लिस्ट डालूँगी। तो प्लीज़ जो बच्चे पीजीटी साइकोलॉजी और पैडागोगी के लिए देखें वो दोनों ही प्लेलिस्ट को देखें, बट जो बच्चे सिर्फ पैडागोगी को देखें पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पैडागोगी की ही प्लेलिस्ट को देखें। अगर जो ये बच्चे अदर सब्जेक्ट के हैं अगर इनको जानना है कि साइकोलॉजी क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन करना है या आपका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी को पढ़ने में तो वे मेरी दोनों ही प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इतना यहाँ से आपको क्लियर है, श्योरिटी है कि आपके पैडागोगी में भी जो आपका 30 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आपके 26 टू 29 तक आप मार्क्स गेन कर लेंगे। और जो पीजीटी एसटी के साइकोलॉजी के 60 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आप 55 टू 59 मार्क्स आप गेन कर लेंगे। क्योंकि मेरे एसटेट साइकोलॉजी काफ़ी क्लियर हो चुकी है और मेरे हर बार इससे ज़्यादा ही स्कोर आता है, 16 टू 59 58 में स्कोर करती हूँ हमेशा और मेरे बहुत अच्छे नंबरों से एसटेट क्वालिफाई होता है। और साथ ही मुझे यह 3 साल का एक्सपीरियंस में टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मैं एफसी कॉलेज में टीच करती हूँ, स्पेशली पीजी क्लास को मैं पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके कोई डाउट हो या फिर किसी को टॉपिक में आपको कुछ कन्फ्लिक्ट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा और सुधार करूँ। जो लेवल आपका है जिस लेवल में आप समझना चाहते हो उस लेवल तक मैं आप तक वो पहुँचाऊँ। तो हम मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखें और अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से तैयारी करें। जैसा हमारा कोरोना वायरस का ये सीजन चल रहा है तो प्लीज़ अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू।